फिर शंख से रागनी आप लोगों के बीच में महाभारत की रागनी, मौका संधि प्रस्ताव आप लोगों के बीच में बहुत सुंदर रागनी। कृष्ण जी जब संधि का प्रस्ताव लेकर के हस्तापुर की दरबारों में पहुंचते हैं, जाने के बाद में राजा दुर्योधन से न्यू कहने लगते कि दुर्योधन अरे कल कुल खत्म हो जाएगा, रण क्षेत्र में तुम्हारी तलवारें बजेंगी, इससे अच्छा मैं एक बार तेरे पास में आया हूं कि कभी परिवार के बीच में विवाद अच्छा नहीं हुआ करता है, तू पांच गांव पांडवों को दे दे और पूरे राज को तू ही भोग ले। सजनों जैसे ही कृष्ण जी ने बया हस्तापुर के दरबार में किए तो न्यू कहने लगे कि तेने ग्वाला बन के गऊ चराई बंसी बजा बिरज मोया, अरे तू के जाने राजनीत में ग्वाले में जीवन खोया। धिक्कार देते हैं कि मैं तेरी संधि को मानता नहीं हूं, अब तो जो फैसला होना है वो कुरुक्षेत्र के बीच में मैदान में होगा। कृष्ण जी अगर तू हितेशी है तो मेरे साथ में लड़ने की तैयारी कर। समझाते हैं कृष्ण जी उस घमंडी दुर्योधन को, दोनों के सवाल जवाब है। आइए कृष्ण जी, आज इस दुर्योधन की सभा में क्या कारण है जो आपको आना पड़ा? दुर्योधन हाँ, मैं आज तुझे समझाने आया हूँ, आखिर उन पांडवों को ज्यादा नहीं तू पांच गांव दे दे और मेरी बात मान ले, अहंकार अच्छा नहीं होता दुर्योधन। कृष्ण जी ये बात कदापि नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है दुर्योधन, तू समझदार है, ऐसा नहीं है, आखिर ये भी तेरे भाई हैं, माँ जाए नहीं सही, आखिर चाचा के बेटे हैं, इन्हें भी पांच गांव, मेरी बात मान ले दुर्योधन, तू इन्हें पांच गांव दे दे बेटा। मेरी बात सुन ले भाई। और आइए मिंटू डीजे गोपालपुर से, वो भी 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं। मिंटू डीजे सावली से, वो भी भाई 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई, बार बार धन्यवाद। आइए भाई। हारे दई दुरियो धने इतना कहन हमारा कर दे, इसी में तेरी भलाई से तू राज का बंटवारा कर दे, अरे इसी में भलाई तेरी राज का बंटवारा कर दे, हे दही के Oh!
पीवे बिना छनी तन उन्हें छान छान दे दी पांडवों के बुआ प्याती अरे जुन को बाहन दे दी पांडवों के बुआ प्याती तेरे परले को बाहन दे दी हो तेरा करे दूंगा फायदा और एक साल का अज्ञातवास दिया। अच्छा, वो अपना वनवास काट करके आज वापस आ गए। देख, मैं फिर तुझे समझा रहा हूँ, आखिर उन्हें ज्यादा नहीं सिर्फ 5 गांव दे दे। कह दे जो कहना चाहता है। और 13 साल हो गए उनको घर से बाहर निकले करने को आए किरसन मुरार भाई उनका राजपाट दे वो भी हंसदार भाई उनको राजपाट दे दे मांग राज मांगने की चीज नहीं मैं चक्रवर्ती राजा हूँ तने बोवन दूंगा बीज नहीं अरे चक्रवर्ती राजा हूँ तने बोवन दूंगा बीज नहीं हो मेरी जइए सभा ते भा दुर्योधन तुझे आज अहंकार आ गया कह रहा है कि 5 गांव क्या 1 इंच जगह उनको नहीं दूंगा मैं ये सब तेरी कारस्तानी है काड़िया जो कहना है कह दे जवाब दूंगा ठोक के अच्छे और तू तो उनका साकी बन जा सुराही और जाम दे दे मैं जाके उनसे कह दूंगा 100-100 का पैगाम दे दे आधा ना तिहाई कर दे तू 5 गांव उनको दे दे आधा ना तिहाई कर तू 5 गांव उनको दे दे मैं इतनी जगह सरप की फाड़ी टिके मैं कितनी जगह बाटू को ना जा सरप की फाड़ी टिके अरे इतनी जगह बाटू को ना जा सरप की फाड़ी
पास आया हूँ। अच्छा, कि ये भी तेरे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आखिर तेरे भाई हैं, अगर नहीं मानता, तुझे अहंकार है इस बात का, तो तैयार हो जा लड़ने के लिए। तुझे पता नहीं अर्जुन का गांडीव धनुष और भीम की गदा जिस समय चलती है उसके सामने कोई नहीं रुकता। अरे छड़िया, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था, तू कोई फैसला करवाने नहीं आया। तू नाश कर लेगा इस परिवार का, कोई इसमें राज भोगने के लिए नहीं रहेगा। दुर्योधन मेरी बात सुन ले, अगर तू यही चाहता है तो जा उनसे जाकर बोल देना कि दुर्योधन भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अच्छा हाँ ठीक है, देख दे। को तैयार हो जा, मेटन की खातिर अपनी उमंग को तैयार हो जा, राज नहीं बांटता तो जंग को तैयार हो जा, राज नहीं बांटता तो फिर जंग को तैयार हो जा। जैसे कृष्ण यो हो, अच्छा का बढ़िया पेट हुआ, कौरवों से लड़ने का आज कैसे उल्टा डेट हुआ, कौरवों से लड़ने का आज कैसे उल्टा डेट हुआ। हो गौरी शंकर काला